गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। दिवंगत प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत सहित 4 लोगों को पद्म विभूषण से जबकि 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वहीं 107 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इनमें प्रदेश की टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल, यमुनानगर के सामाजिक कार्यकर्ता ओपी गांधी, करनाल स्थित एनडीआरआई के पूर्व वैज्ञानिक डॉ. मोतीलाल मदान और कुरुक्षेत्र के प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर के नाम शामिल है। वहीं नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों के लिए चुने गए सभी लोगों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा है कि पूरा राष्ट्र उनकी उपलब्धियों का सम्मान करता है और हमें समाज के प्रति उनके योगदान पर गर्व है। प्रदेश के पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित लोगों ने खुशी जाहिर की और सरकार का धन्यवाद किया। और पद्मश्री के लिए पता लगा और आप सभी की विशेष और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी तो हमें पहले भी महसूस हो रही थी, सरकार ने मान्यता अब दी है तो इससे विशेष खुशी हुई है और आगे विशेष प्रोत्साहन मिला है, मुझे भी मिला है, मेरे साथियों को मिला। लेकिन सरकार ने मान्यता दी है, लेकिन नहीं बढ़ा है, इसलिए तो बात सरकार ने इसको बना है। अच्छा लगा है ये अवार्ड मिलकर, इट इज़ अ ग्रेट ऑनर मेरे लिए, बहुत एक सम्मान की बात है और मेरे विषय पर जो एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हुई है और इस अवार्ड मिलने से मुझे और इंस्पिरेशन मिली है। आज का दिन है, एक मुबारक दिन है कि जिसके लिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं अपनी तरफ से और अपनी फैमिली की तरफ से और ये सारा रिसर्च परिवार जो इस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है धन्यवाद करता हूँ।